हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तीन पार्ट्स के अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस की थी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये जो टॉपिक है ये है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से। तो अगर हम एविडेंसेस की बात करें, कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस देखेंगे, जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो वन बाय वन हम इन एविडेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फोकस रहेगा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस के ऊपर, जिनमें से भी होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जो एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे के सारे एविडेंसेस डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस को, ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, कोई भी प्लांट कैसा दिखता है, वो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। एनाटोमी, अगर हम उसके अंदर से सेक्शन कट करके देखें, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखें, उसका वर्टिकल सेक्शन कट करके देखें, तो अंदर से उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी एनाटोमी होती है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस के अंदर यहाँ पे एक वर्ड आता है कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि जो ये मॉर्फोलॉजिकल, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं दो ऑर्गेनिजम्स के या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स के या फिर वर्टिब्रेट्स के, इंसेक्ट्स के कुछ पार्ट्स की बात कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उन स्ट्रक्चर्स के अंदर कंपैरेटिव स्टडी से हम उनको डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे कि इनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो इस कंपैरेटिव स्टडी में और कंपैरेटिव में भी जो कंपैरेटिव एनाटोमिकल स्टडीज होती है उसको हम बोलते हैं टेक्टोलॉजी, यानी कि जो फंक्शनल टेक्टोलॉजी, यानी कि फंक्शनल एनाटोमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी को हम टेक्टोलॉजी बोलते हैं। तो इस टेक्टोलॉजी या फिर कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल, कंपैरेटिव एनाटोमिकल स्टडी के थ्रू हम जो ये मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल एविडेंसेस है वो डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम टाइप्स देखेंगे, लाइक होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एटाविज्म या फिर रिवर्सन, करेक्टर्स का रिवर्स हो जाना, या फिर सिमिलर वर्टिब्रे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इन होमोलोगस ऑर्गन के बारे में एंड इनके एग्जांपल्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें होमोलोगस ऑर्गन्स की, तो ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक अगर हम वर्ड की बात करें, होमो मीन्स सेम, तो होम इसके अंदर क्या होते हैं, सेम यहाँ पे ओरिजिन होता है, डिफरेंट यहाँ पे क्या होती है, फंक्शंस होते हैं। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स विच आर डिफरेंट इन अपीयरेंस, जो अपीयरेंस में हम उनको देखते हैं तो वो हमें अलग अलग नजर आएंगे, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, एंड फंक्शंस भी डिफरेंट परफॉर्म करेंगे, बट हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर उनका सिमिलर होगा, एंड डिवेलपमेंटल ओरिजन भी उनका सिमिलर होगा, एंड आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स, और इनको क्या बोला जाता है, होमोलोगस ऑर्गन्स बोला जाता है। तो होमोलोगस ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो अपीयरेंस एंड फंक्शंस के अंदर डिफर करते हैं, ठीक है, डिफर किसके अंदर करते हैं, अपीयरेंस एंड फंक्शंस के अंदर, ठीक है, अपीयरेंस एंड फंक्शंस के अंदर ये क्या करते हैं, डिफर करते हैं, एंड इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड इनका जो ओरिजिन है, डेवलपमेंटल ओरिजिन है, वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। लाइक अगर होमो का मीनिंग अगर हम देखें तो उसका मीनिंग होता है सेम, एंड ओ अगर हम देखें यहाँ पे, ओ वर्ड है यहाँ पे ओरिजिन, इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी होमोलोगस ऑर्गन्स का क्या होगा, होमो मीन्स सेम, ओ फॉर ओरिजिन, यानी कि इनका ओरिजिन सेम होगा और फंक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
तो इन स्ट्रक्चर इनके अंदर क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर अपीयरेंस एंड फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन इनके अंदर सिमिलर होता है। अब ये क्यों सिमिलर होता है या फिर क्यों इनके अंदर फंक्शंस डिफर करते हैं? द कॉज ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का क्या कॉज है? इन देयर अपीयरेंस एंड फंक्शनिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हमने भी बात की थी कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उनके बीच में जो वेरिएबिलिटी है उनकी अपेयरेंस के अंदर एंड उनकी फंक्शनिंग के अंदर, मस्ट बी ड्यू टू देयर अडेप्टेशन फॉर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। वो किसकी वजह से है? एंड डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से है। अब एक ऑर्गेनिज्म था लाइक, वो अलग अलग जगह पे चला गया, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे क्या है, अलग टाइप का एटमोसफियर है, अलग टाइप का इन्वायरमेंट है, अलग टाइप का फूड है, एंड अलग टाइप के उनको फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिजम्स क्या कर लेंगे, अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। लेकिन इनका क्या था, ओरिजन सेम था, ठीक है, ओरिजन इसी इसी एंसिस्टर से था, लेकिन इनके फंक्शंस डिफर हो गए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इनकी अपीयरेंस भी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी का कॉज है अपीयरेंस एंड फंक्शन फंक्शनैलिटी के अंदर, वो किसकी वजह से आता है? वो आता है अडेप्टेशन फॉर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होता है। तो इस वजह से वेरिएबिलिटी होती है होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर। अब इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है फोर लिम, ठीक है, जो ये हमारे हैंड होते हैं इनको फोर लिम बोलते हैं। फोर लिम इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स कौन कौन से, जैसे कि मैन, हॉर्स, बैट, बर्ड, सील एक्सेट्रा। अगर इन ये फोर लिम्स के, इन वर्टिब्रेट्स के फोर लिम की कंपेरेटिव स्टडी करें तो ये निकल के आते हैं कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स है। कैसे होमोलोगस ऑर्गन्स है ये, लेकिन का अगर हम डायग्राम देखें, ये यहाँ पे ह्यूमन, हॉर्स, बैट, बर्ड एंड सील के यहाँ पे एक तरह से फोर आर्म के स्ट्रक्चर हो गए। अब इन स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम देखें, जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या क्या करता है, इसके अंदर थंब जो है अपोजिट होता है फिंगर्स के। हमारे अंदर क्या है, ये जो थंब है फिंगर्स के अपोजिट होता है, एंड काम क्या करते हैं, ग्रेस्पिंग का काम करते हैं। कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, ग्रेस्प करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं। एंड अगर हम हॉर्स की बात करें, हॉर्स के अंदर क्या होती है, फोर आर्म या फिर जो लेग होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, एंड ये रनिंग के लिए यूज की जाती है। बैट के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट होता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये फ्लाइंग के लिए यूज होता है। एंड बर्ड्स के अंदर विंग्स होते हैं जो कि अगेन फ्लाइंग के लिए ही यूज होते हैं। एंड फ्लिपर्स जो होते हैं सील के, वो क्या होते हैं, स्विमिंग में यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, स्विमिंग के अंदर यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जितने भी यहाँ पे फॉर्म है, तो ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या ये फोर आर्म लिम्ब के, फोर लिम्ब के स्ट्रक्चर है, फोर लिम्ब के स्ट्रक्चर है। एंड लेकिन अगर हम देखें इसका फंक्शन डिफरेंट, ये सारे फंक्शंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है। तो ये जो अगर स्ट्रक्चर्स को हम देखें, इसके अंदर स्ट्रक्चर देखें हम, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फिलिंजिस। अगर हमारे जो फोर आर्म की बोन्स देखें या फिर फोर लिम्ब की बोन देखें, तो ये वाली बोन्स जो ये होगी, ये क्या होगी हमारी, ह्यूमरस होगी। यहाँ पे दो बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना, इसके बाद ये कार्पल्स होती हैं, देन यहाँ पे मेटाकार्पस होंगी, एंड जो फिंगर्स होंगे उनको फेलेंजिस बोला जाता है। तो यहाँ पे इन सब के अंदर सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये कलर से यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, सब के अंदर ही प्रेजेंट है ये। लेकिन ये फंक्शंस क्या कर रहे हैं, फंक्शंस क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अभी डिफरेंट डिफरेंट क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका एंसिस्टर तो सेम था, उसकी वजह से इनका बेसिक स्ट्रक्चर ओरिजिन तो सेम है, लेकिन ये अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से इनके फंक्शंस है वो डिफरेंट है, ठीक है, अलग एनवायरनमेंट में रहेंगे, उसके अडेप्ट हो जाएंगे, तो इनके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अब अगर हम देखें इनके अंदर पेंटाडेक्टाइल प्लान होता है, ठीक है, सबके अंदर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर पेंटाडेक्टाइल प्लान होता है, एंड सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो ये हमने बोन्स की बात की, सिमिलर अरेंजमेंट होता है इन सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर,
एंड पेंटाडक्टाइली प्लान होता है, लेकिन फंक्शन क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर्स, जैसे कि स्ट्रक्चर्स हमने भी बात की है, डिफरेंट डिफरेंट फोर लिम्ब है वर्टिब्रेट्स के, उन स्ट्रक्चर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, लाइक उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके उनकी जो एंसेस्ट्री या फिर उनके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। Having common basic plan, उनके अंदर क्या है, common basic plan है and similar developmental origin है, origin भी same है and common basic plan है, इसको बोला जाता है homology। ठीक है, important term है ये homology। homology क्या होती है, जो भी structures हैं उनके बीच में जो भी relationship present है एंड उनके अंदर क्या है, कॉमन बेसिक प्लान है एंड सिमिलर डेवलपमेंटल ओरिजन है, और इसको बोला जाता है होमोलोजी। अब ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स है जिनकी अभी हमने बात की, होमोलोगस ऑर्गन क्या कंफर्म करते हैं, ठीक है, हम इवोल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं तो ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर क्या कंफर्म करते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन कंफर्म करते हैं कॉमन एंसिस्ट्री, यानी कि लाइक ये एक हमारा एंसिस्टर था, ठीक है, ये एक एंसिस्टर था एंड इस एंसिस्टर से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन गए, इस एंसेस्टर से क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे बने हैं, रीजन इनका सेम था लेकिन इस एंसेस्टर से निकल के दूसरे दूसरे एटमॉस्फेयर के अंदर, दूसरे दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर गए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इन्होंने उस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टिबिलिटी शो की, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने अडेप्टिबिलिटी शो की, तो इनका क्या होगा, इसको बोलते हैं मोनोफाइलेटिक ओरिजन एंड कॉमन एंसिस्ट्री होगी और इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। लाइक ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर हमने ऐसी थ्योरीज भी डिस्कस की थी, जैसे कि स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी होगी, कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो सडनली बन गए थे, बना दिए गए थे जो सुपरनेचुरल पावर्स थी एंड उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं प्रेजेंट था, तो ऐसा नहीं होता, इनके बीच में क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। तो होमोलोगस ऑर्गन से कंफर्म होता है कि कॉमन एंसिस्ट्री होती है, मोनोफाइलेटिक ओरिजन होता है एंड इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे गए हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सेम स्ट्रक्चर, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसको बोलेंगे, लाइक ये एक कॉमन एंसेस्टर था एंड इससे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो चले गए, वो रेडिएट हो गए एंड उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया, तो इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे, यानी कि एक जगह से अलग अलग जगह पे डाइवर्ज हो गए ये। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये जो है होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं, जिनके अंदर सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैव बिकम डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो इनके सेम स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग बन गए हैं। अलग अलग कैसे बने, ड्यू टू डिफरेंट अडेप्टेशंस, अलग अलग अडेप्टेशंस की वजह से वो क्या बन गई है, अलग बन गई है। इट इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन, और इसको क्या बोला जाता है, अडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है, यानी कि इस कॉमन एंसेस्टर से ये जो रेडिएट हुए थे, ठीक है, इस कॉमन एंसेस्टर से ये जो रेडिएट हुए थे, अब ये रेडिएट होके इन्होंने क्या किया, खुद को अडेप्ट कर लिया, तो इसको अडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, जो कि होमोलोगस ऑर्गन्स है वो क्या शो करेंगे यहाँ पे, होमोलोगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड इसके अलावा ये अडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स हो गए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड अडेप्टिव रेडिएशन शो करेंगे। इसके बाद अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे ये है मोल क्राकेट की लैग हो गई, ग्रास होपर की लैग हो गई, हनी बी की लैग हो गई, मेंटिस की लैग हो गई एंड इसके अलावा यहाँ पे वाटर बीटल की एग हो गई एंड हेड लाउस की एग हो गई। तो ये डिफरेंट फॉर्म है लेकिन एंड आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन, एंड ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड है लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। एंड होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर यही होता है, कॉमन ओरिजन होता है या फिर
डेवलपमेंटल ओरिजिन होता है, लेकिन फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म करते हैं। जिस भी एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसा ही उसी टाइप का, या फिर फूड खाएंगे उसी टाइप का, ये क्या करेंगे, ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, इन इंसेक्ट्स के अंदर फाइव सिमिलर पोडोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। पोडोमियर्स क्या होते हैं, लेग्स के सेगमेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को पोडोमियर्स बोला जाता है। तो इनके अंदर फाइव सिमिलर पोडोमियर्स होते हैं, लाइक इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कोग्जा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड 1 to 5 जॉइंटेड टार्सस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कोक्सा, फीमर, टिबिया, टार्सस एंड ये ट्रोकेंटर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, टार्सस 1 to 5 जॉइंटेड टार्सस होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर है कोग्जा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस, सेम सबके अंदर यही अरेंजमेंट प्रेजेंट है इन सब के अंदर। तो इनके अंदर क्या है, एक कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉमन यहां पे क्या है, कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है, या फिर कॉमन बेसिक प्लान है, या फिर कॉमन बेसिक हम बोल सकते हैं ओरिजन है, लेकिन फंक्शंस ये डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस क्या है इनका, डिफरेंट डिफरेंट है। क्या क्या फंक्शंस है इनकी, अब अगर हम देखें तो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक मोल क्रैकेट की अगर हम बात करें, अपीयरेंस ऑफ लेग कैसी होगी इसकी, स्पेड लाइक होती है, स्पेड लाइक प्रो लेग्स होती है, हैविंग फीमोरल स्पूर होता है एंड फिंगर लाइक डेक्टाइल्स होती है इसकी, ठीक है, फिंगर लाइक क्या होंगी, डेक्टाइल्स होंगी इसकी। तो स्पेड लाइक प्रो लेग होती है इसकी, स्पेड क्या होती है, जैसे कि कसी होती है उसकी, जैसे इसकी लेग होती है। फंक्शन क्या होता है, डिगिंग फॉर फ्यूजोरियल हैबिटेट, इसका काम है डिगिंग करने का, खुदाई करने का। ग्रास होपर, इसके अंदर मेटालेग्स जो होंगी, बीच वाली जो लेग होंगी, विद वेरी लॉन्ग फीमर एंड टिबिया, इनके अंदर जो फीमर है एंड टिबिया है वो लॉन्ग होगी। एंड पोडोमियर्स आर अरेंज्ड इन जेड मैनर, इनके अंदर पोडोमियर्स जो है वो ऐसे जेड मैनर के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गए एंड ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, जेड शेप में अरेंज्ड होते हैं। एंड इनका काम होता है साल्टेटरी और जंप करने का, ठीक है, जंपिंग करता है ग्रास होपर, तो उसमें ये यूज होती है। नेक्स्ट है हनी बी, ईच मेटालेग ऑफ वर्कर बी हैज 3 यूजफुल स्ट्रक्चर, इसके अंदर 3 यूजफुल स्ट्रक्चर होते हैं मेटालेग के अंदर, पोलन कॉम्ब होती है, पोलन पैकर होता है एंड एक पोलन बास्केट प्रेजेंट होती है। यहाँ पे काम क्या है इसका, कलेक्शन ऑफ पोलन्स इन द पोलन बास्केट, पोलन की कलेक्शन करेंगे एंड पोलन बास्केट के अंदर भर लेंगे ये। नेक्स्ट है मेंटीड, या फिर मेंटीज जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो फीमर है, फीमर ऑफ ईच प्रोलैग विद अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग स्पाइंस विच फिट इनटू स्पाइनी एज ऑफ टिबिया एंड इसका काम है रेप्टोरियल एंड यूज टू कैप्चर द प्रे, ठीक है, रेप्टोरियल फंक्शन है एंड ये क्या करता है, कैप्चर करता है, प्रे को कैप्चर करने का काम करता है। वाटर बीटल की अगर बात करें, मेटालेग्स आर फ्लैट एंड कार लाइक, ठीक है, इसकी कैसी होती है, फ्लैट होती है एंड कार लाइक होती है, जो कि स्विमिंग में यूज होती है। हेड लाउस की ईच लेग इज सिंगल क्लोड, ठीक है, लेग क्या होगी, सिंगल क्लो के अंदर प्रेजेंट होगा एंड फंक्शन क्या होगा, क्लो यूज टू ग्रेस्प द ह्यूमन हेयर, ये क्या करेगा, ह्यूमन हेयर के अंदर मिलेंगे जो हेड लाउस है, तो ये क्लो क्या करेगा, जो ह्यूमन हेयर्स है उनको ग्रेस्प करने का काम करेगा। तो ये फंक्शंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स की लेग्स के, और ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लेकिन ओरिजिन इनका सेम है, सेम इनके अंदर बोन्स के 5 पोडोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, हनी बी। माउथ पार्ट्स को हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं फाइलम, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है कॉकरोच की टाइप स्टडी के अंदर, और इसके अलावा इनके अंदर क्या होते हैं, ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि कॉकरोच के, हाउस फ्लाई के, मॉस्किटो एंड हनी बी के जो माउथ पार्ट्स होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इनका इसके अंदर क्या होते हैं, च्यूइंग टाइप होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं, सकिंग टाइप होते हैं, या फिर लैपिंग टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये माउथ पार्ट्स जो है इनका स्ट्रक्चर सेम है, कॉमन बेसिक प्लान है, कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका ओरिजन अलग, इनका ओरिजन भी सेम है लेकिन इनका फंक्शन क्या है वो डिफर करता है, इसलिए ये होमोलोगस ऑर्गन्स है। लाइक इनके अंदर कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते, एक लैब्रम प्रेजेंट होता है, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, यानी कि 2 मैंडिबल्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ मैगजीले, यानी कि 4 यहाँ पे मैगजीले होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं
अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अलग अलग ये जो है ये यही कॉमन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फंक्शनिंग का डिफरेंट है। किसी में च्यूइंग टाइप है, किसी में स्पॉन्जिंग टाइप है, किसी में सकिंग टाइप है, किसी में यहाँ पे लैपिंग टाइप है। तो फंक्शंस क्या है इनके, डिफर करते हैं। अगर हम देखें इसके अंदर इंसेक्ट्स के, कॉकरोच के माउथ पार्ट जो है मैंडिबल्स आर स्ट्रॉन्गली स्क्लेराइज्ड एंड फॉर्म टूथ लाइक डेंटिकल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसे टूथ लाइक डेंटिकल्स फॉर्म कर लेते हैं। काम क्या होता है इसका, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप फॉर सॉलिड फूड। सॉलिड फूड को की बाइटिंग के लिए, उसकी च्यूइंग के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होती है, इसके अंदर माउथ पार्ट्स फ्लैसी एंड रिट्रैक्टाइल प्रोबॉक्सिस होती है। ठीक है, एक ऐसी प्रोबॉक्सिस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोबॉक्सिस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको एक तरह से जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो इसको सकिंग करनी होती है नेक या लिक्विड फूड की, उसमें हेल्प करता है। विथ टू लार्ज ओवल शेप्ड ओरल लोब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवल शेप के ओरल लोब प्रेजेंट होते हैं विद फाइन चैनल्स कॉल्ड सूडो ट्रैकिए। और उसके अंदर क्या होते हैं, फाइन चैनल्स होते हैं जिनको सूडो ट्रैकिए बोला जाता है। फंक्शन क्या होगा, स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं टू सक द लिक्विड फूड, और लिक्विड फूड को सक करने का ही काम करेंगे। मॉस्किटो के अंदर सिक्स नीडल लाइक पायरसिंग स्टाइल एंड ग्रूव ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लैब्रम एपीफेरिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पायरसिंग एंड सकिंग टाइप इसके ब्लड को सक करने का काम करेंगे, पहले पंचर करेंगे, पायर्स करेंगे, एक होल क्रिएट करेंगे, देन ये क्या करेंगे, ब्लड को सक करेंगे। हनी बी के अंदर द ग्लोसे ऑफ द लैबियम प्रोड्यूस्ड इनटू टंग लाइक प्रोसेसेस जिसको लिंगुला बोलते हैं विद अ स्पून लाइक लैबिलम एंड हनी स्पून इसको बोला जाता है, टिक के ऊपर प्रेजेंट होती है। फंक्शन होता है इसका, लैपिंग टाइप के होते हैं ये, टू टेक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। ये क्या करते हैं, फ्लावर से नेक्टर जो है वो लेते हैं एंड मोल्डिंग ऑफ वैक्स की मोल्डिंग करने के ये यूज में आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या हो गए, माउथ पार्ट्स होंगे लाइक कॉकरोच के, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं जो कि सॉलिड फूड को ईट करेंगे, हाउस फ्लाई के स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं जो कि लिक्विड फूड को ईट करेंगे, हनी बी के जो नेक्टर है वो भी क्या है, टाइप का लिक्विड ही है, उसको क्या करेंगे, ये सक करेंगे। मॉस्किटो जो है पायर्स एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड को सक करने में हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट के माउथ पार्ट्स जो है जो क्या शो करते हैं, ओरिजन सेम है, सेम टाइप के इसके अंदर ओरिजन होते हैं माउथ पार्ट्स के अंदर, सेम टाइप के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस डिफर करते हैं। फंक्शंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हेट्रोडोंट टीथ इन मैमल्स। ठीक है, हेट्रोडोंट टीथ की अगर हम बात करें यहाँ पे, लाइक इंसीजर, केनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर, ये चार टाइप के टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बेसिक और कॉमन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ओरिजन बोल सकते हैं, वो सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे फंक्शन डिफरेंट है इसके अंदर, तो टीथ टाइप जैसे कि इंसीजर हो गया, शार्प होता है, चाइजल शेप्ड होता है एंड सिंगल रूटेड होता है। ठीक है, इसकी रूट कैसी होती है, सिंगल रूट होती है, सिंगल क्राउंड इन बोथ जार्स, दोनों जार्स के अंदर क्या होता है, सिंगल क्राउंड होता है। फंक्शंस क्या होते हैं, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स फूड। ठीक है, ये क्या करता है, कटिंग का काम करता है। सेकेंड है केनाइंस, शार्प डेगर शेप के क्राउन होते हैं, सिंगल रूटेड होते हैं ये। टीरिंग ऑफ एनिमल फूड, एनिमल फूड की टीरिंग का काम करते हैं, तो मेनली टीरिंग का काम करते हैं। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड चिंग और चिक टीथ इनको बोला जाता है। ठीक है, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स को चिक टीथ बोला जाता है, जिसके अंदर 2 or 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 2 or 3 कस्प यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये काम करते हैं ग्राइंडिंग ऑफ द फूड का, फूड की ग्राइंडिंग का काम करेंगे। प्रीमोलर्स यहाँ पे सॉफ्ट फूड की ग्राइंडिंग करते हैं एंड मोलर्स हैं ये क्या करते हैं, हार्ड फूड की ग्राइंडिंग करते हैं। तो ये क्या हो गए, इनका कॉमन स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, कॉमन इनका बेसिक स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है, लेकिन ये क्या है, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये भी क्या होंगे यहाँ पे, ये हो गए होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के ऊपर जो एपिडर्मिस के ऊपर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक यहाँ पे डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गए क्लो हो गए, ठीक है, ये क्लो हो गए, यहाँ पे नेल्स हो गए, हुफ हो गए।
ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हो गए यहाँ पे, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हो गए। तो ये एपिडर्मल डेरिवेटिव क्या होते हैं, इनके अंदर एक कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कॉमन बेसिक ओरिजिन होता है, लेकिन ये क्या कर शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर या एपिडर्मल स्केल्स की, एपिडर्मल स्केल्स के अंदर जैसे कि रेप्टाइल्स ऑन जो होते हैं ऑन शैंक एंड फीट ऑफ बर्ड्स एंड सम मैमल्स लाइक आर्माडिलोज एंड मैनिस, इनके अंदर क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अपीयरेंस कैसी होगी इसकी, दे आर मोस्टली प्लेट लाइक, ये कैसे होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ डायरेक्ट करते हैं ये, एंड प्रेजेंट इन एन ओवरलैपिंग मैनर, एंड एपिडर्मल स्केल्स है, जैसे कि ये एपिडर्मिस की अगर हमने बात की है, ये ऐसे एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करते हैं। एंड फंक्शन क्या होगा इसका, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन का एंड वाटर की कंजर्वेशन का ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है फीदर्स, बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड लाइट, अ क्विल फीदर इज फॉर्म्ड ऑफ अपर एंड लार्जर रैचेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं विद वेन्स एंड लोअर एंड स्मॉलर कैलामस होते हैं विद नो बार्ब्स। फंक्शन क्या होगा इसका, फ्लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑल्सो फॉर्म एन इंसुलेटिंग कोट टू हेल्प इन होम्योथर्मी, ठीक है, सेम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, एंड ये फ्लाइट में यूज होते हैं, फ्लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेयर, हेयर जो है ओनली मैमल्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, फाइन एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, प्रेजेंट पार्शली इन द हेयर फोलिकल, यानी हेयर रूट के अंदर, पार्शली प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द हेयर फोलिकल, ठीक है, जैसे कि एपिडर्मिस की बात की है, तो ये हेयर यहाँ पे रूट हो गई, पार्शली तो इसके अंदर प्रेजेंट है, पार्शली क्या है, इसके बाहर प्रेजेंट होता है। काम क्या है, इंसुलेटिंग कोट टू हेल्प होम्योथर्मी, ये भी क्या फॉर्म करता है, इंसुलेटिंग कोट फॉर्म करता है जो कि होम्योथर्मी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है जैसे कि हमने बात की थी क्लोज की, क्लोज जो होते हैं इन रेप्टाइल्स जैसे कि मोस्ट ऑफ लिजार्ड क्लोज ऑफ बर्ड्स मैनी मैमल्स हार्ड एंड पॉइंटेड कर्व्ड होते हैं, डिफेंस एंड डिगिंग का काम करते हैं। नेल्स जो होते हैं प्राइमेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हार्ड एंड नॉन लिविंग बट स्ट्रेट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अगेन डिफेंस का काम करते हैं। हूफ्स जो होते हैं अंगुलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हार्ड एंड मेनली फॉर्म्ड ऑफ अंगुस के बने होते हैं और ये रनिंग के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि हॉर्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, काऊ के अंदर हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर हॉर्न्स, हॉर्न्स जो होते हैं इन सर्टेन हूफ्ड मैमल्स, हूफ्ड मैमल के अंदर हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मे बी सिंपल और ब्रांच्ड हो सकते हैं, विद और विदाउट बोनी कोर हो सकते हैं, ये भी डिफेंस के अंदर यूज होते हैं, जैसे काऊ के अंदर हो गए, बफेलो के अंदर हो गए, डियर के अंदर हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्ट्रक्चर हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन ओरिजन इनका क्या है, सिमिलर ओरिजन है, इसलिए होमोलोगस ऑर्गन्स है। डिराइव्ड फ्रॉम द हाईली केराटिनाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ द एपिडर्मिस, इनका बेसिक ओरिजन क्या है, ये डिराइव किए जाते हैं हाईली केराटिनाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है एपिडर्मिस की लेयर, उससे ये डिराइव किए जाते हैं, लेकिन फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्टिब्रे ऑफ द वर्टिबल कोलम, अब हमारी जो वर्टिबल कोलम है उसके अंदर जो वर्टिब्रे है, वर्टिब्रे क्या करते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, लेकिन वो क्या है, बेसिक उनका स्ट्रक्चर है और हम बोल सकते हैं ओरिजन भी उनका क्या होता है, सेम होता है, कॉमन होता है, जैसे कि इसके अंदर सर्वाइकल हो गए, थोरेसिक हो गए, लुम्बर हो गए, सैक्रम हो गए, कोकाइक्स हो गए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एटलस हो गया जिसको हम फर्स्ट वर्टिब्रे बोलते हैं, विद फैसेट्स ऑफ ऑसिपिटल कोंडाइल्स एंड ओडोंटॉइड प्रोसेसेस इसके अंदर प्रेजेंट होती है, लार्ज ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, न्यूरल कैनाल डिवाइडेड होती है इसके अंदर, सपोर्ट्स द स्कल एंड नोडिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड, जो हमारे बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट होंगे पीछे की तरफ, वो क्या होंगे यहाँ पे, एटलस होंगे। इसके बाद एक्सिस, सेकेंड जो वर्टिब्रे होगा, विद ओडोंटॉइड प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेसेस एब्सेंट होगी इसके अंदर, सपोर्ट द साइड वेज एंड रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द हेड, ठीक है, हेड की जो ऐसे रोटेटरी मूवमेंट्स हैं उनको ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एंड साइड वेज मूवमेंट्स को भी। इसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रे, न्यूरल स्पाइन इज लॉन्ग एंड बैकवर्ड एंड विद फिसेट्स फॉर रिब्स
एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर रिब अटैचमेंट. रिब अटैचमेंट के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि इसके अंदर ये फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है लुम्बर वर्टिब्रे. मेटापोफाइसिस एंड एनापोफाइसिस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्रोवाइड्स इनलार्ज सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट. ये क्या करते हैं, मसल अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड कराते हैं. सिनसैक्रम जो है फ्यूज सैक्रल वर्टिब्रे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस विद फीसेट्स फॉर इलिया. एंड ये क्या करते हैं, इलिया को सपोर्ट करते हैं. तो ये क्या है, बेसिक इनके अंदर, कॉमन इनके अंदर ओरिजन है, लेकिन फंक्शंस क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं ये. तो ये भी एक होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है. नेक्स्ट है प्लांट्स के अंदर होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल. प्लांट्स के अंदर जैसे कि थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया जिसको ग्लोरी ऑफ द गार्डन बोलते हैं, एंड टेंड्रिल ऑफ पैसिफोल जिसको पैसन फ्लावर बोलते हैं. ये कैसे हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर है. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये थॉर्न्स प्रेजेंट है, कांटे जिनको हम बोलते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे थॉर्न्स प्रेजेंट है. एंड टेंड्रिल, इसके अंदर ये टेंड्रिल प्रेजेंट है, ऐसा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, टेंड्रिल है. तो ये क्या है, स्ट्रक्चर सेम है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे बोगनविलिया थॉर्न की, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, फंक्शन है इनका प्रोटेक्शन का. एंड जो पैसिव फ्लोरा है वो क्या करता है, टेंड्रिल टू क्लाइंब अ सपोर्ट. ये जो टेंड्रिल्स है ये क्या करेंगे, एक सपोर्ट को होल्ड करेंगे एंड उसके ऊपर चढ़ने का काम करेंगे, क्लाइंबिंग का काम करेंगे. ठीक है, टेंड्रिल टू क्लाइंब अ सपोर्ट. तो ये फंक्शंस पैसिव फ्लोरा परफॉर्म करता है. तो यहाँ पे फंक्शंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इनका जो एक तरह से इनका बेसिक ओरिजिन होता है वो क्या है, क्या है, यहाँ पे कॉमन है. दोनों ही क्या है, यहाँ पे स्टेम से अराइज हुए हैं, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. तो ये भी क्या हो गए, यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स हो गए. तो होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में. तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.